में यस आपके? यस मतलब ये इट वाज अ वेरी रियल चैलेंज एंड हमने उसको किया अच्छे से, दुबई में शूट किया काफ़ी। ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम था एक्चुअली, काफ़ी अदर बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज ए प्रोड्यूसर एज ए एक्टर। तो काफ़ी सपोर्ट मिला इनसे भी एज ए ड्यूरिंग द शूटिंग एंड ऑल, और काफी अच्छा सॉन्ग हमने सेलेक्ट किया था और काफी मेहनत की है हम लोगों ने, हमारी टीम ने इस पे। तो इसको हमने ईयर एंड पे इसलिए लॉन्च किया कि एक्चुअली पार्टी का माहौल है अभी, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक एवरीवन विल एंजॉय दिस सॉन्ग। This is a party anthem, so that's why we have chosen such times ki is time mein hum launch kare isko, so that we will get success, love and each and everything from all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोग यहाँ पे आए हमारे सॉन्ग लॉन्च पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाने का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, जैसे सर ने कहा कि इनका पहला सॉन्ग है ये और ये चाहते थे कि मैं इनके साथ डेब्यू करूँ, नहीं ये मेरे साथ डेब्यू करे है ना। सो आई होप ये गाना जैसे सखियाँ सॉन्ग गया, जितने बाकी सॉन्ग हैं उतना ही गाना आप लोग उतना ही प्यार दो उस गाने को, और आई होप आपको गाना अच्छा लगा है। और जो लोग भी पार्टी में पार्टी सब लोग करने वाले हैं राइट, पार्टी सब करेंगे, पार्टी में डांस करना और मुझे रील्स में जरूर टैग करना। शूटिंग के दौरान का किस तरह का अनुभव रहा? शूटिंग बहुत अमेजिंग शूटिंग रहा है, बिकॉज दुबई में शूट रहा है ये, आपने देखा है लोकेशन शूट दुबई में हुआ है। और दुबई में जब भी शूट करते हैं बहुत अमेजिंग रहता है, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग की लोकेशन इतनी अच्छी अच्छी होती है। और दुबई मेरे लिए बहुत लकी है, मैं जितने गाने दुबई में शूट करती हूँ सारे गाने हिट होते हैं, तो मुझे लगता है ये गाना भी जरूर हिट जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। नेहा जी आपसे जानना चाहूंगा कि प्रभात के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप तो बहुत अच्छी एक्टर है लेकिन जो ही इज वेरी शाय, यू नो ही इज वेरी वेरी शाय। आप देखोगे कितने शॉर्ट में ना, पहले दिन तो जब हम लोग एक प्रैक्टिस हुई तब तो बिल्कुल शर्मा रहे थे, मैंने कहा यार मैं कुछ परेशान नहीं करते हैं, बड़ी स्वीट टाइप की लड़की, बट ये बड़े शर्मा रहे थे, बट धीरे धीरे ठीक हो गए थे। आज जितना बोल रहे हैं पहले बोलते नहीं थे, आज थोड़ा बहुत बोलना है चालू किया है थैंक्स टू मी। या ही इज़ वेरी शाय सॉर्ट ऑफ गाय बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस मैन एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो होता है ना बिजनेस गाय को एक्टर एक्टिंग में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, खुलने में टाइम लगता है। तो बस बट रियली लर्न फ्रॉम, अभी बहुत गाने आने वाले हैं इनके, बहुत सारे गाने आएंगे तब तक ये खुल जाएंगे, आप लोगों से बहुत सही बातें करेंगे। सर क्या सीखा आपने एज एन एक्टर नेहा से? एक्चुअली ये जो इन्होंने बताया काफ़ी सही वाला, वो तो था एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो अब एक्टिंग का पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था नहीं। प्रोड्यूसिंग तो चलिए वो तो देट वॉज पैसे लगाने होते बट वेन यू आर डूइंग एक्टिंग तो इट्स रियली मैटर्स। और उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी सारा हेल्प किया, गाइड किया कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। सो अभी काफ़ी सारा हेजिटेशन निकल गया है फ्रॉम आवर इनकमिंग सॉन्ग, जो आएगा अपकमिंग सॉन्ग्स उसमें बेटर करेंगे, हम बेटर करेंगे। यस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, कितने सेटिस्फाइड है कि आपको लगता है और भी आगे चल के कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए? यस यस अभी क्या है तो अपना पहला लॉन्च किया हमने एंड वी विल कंटिन्यू the songs and there are so many plans in future also, like we are working on ki we'll launch some web series and all. सोशल मीडिया का आज दौर चल रहा है जहाँ पर हर किसी को मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को पेश करने का, इसमें बजट के कोई मायने नहीं रहते हैं, टैलेंट के मायने रहते हैं, इस दौर को आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपके पास प्लानिंग अच्छी है, आपके पास टीम अच्छी है, आपके पास यू नो को एक्टर्स वगैरह अच्छे हैं, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, जैसे ये सॉन्ग राहुल खान के डायरेक्शन में हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जरूर लोगों का प्यार मिलेगा और हम लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी अगर फ्यूचर में भी। सर आपने अब थैंक यू सो मच, क्या आने वाला है, क्या आप लोगों के सामने आगे चल के आने वाला है? आप लोगों को ये सॉन्ग कैसे लगा पहले तो ये बताइए। थैंक यू सो मच सबको, ऐसे आर्टिस्ट होंगे तो अच्छा ही होगा सॉन्ग, तो आउटपुट अच्छा निकलेगा। अभी हमारा एक सॉन्ग और आ रहा है इसके बाद में आकांक्षा पुरी के साथ में, वो भी बहुत जल्दी रिलीज होगा। पहले हमने नेहा मैम के साथ किया, फिर आकांक्षा पुरी के साथ में किया, वो भी बैक टू बैक काफी सारे प्रोजेक्ट अपने आ रहे हैं सर के साथ में, वो भी पार्टी सॉन्ग है।
सो न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर, आप लोगों के क्या प्लान्स हैं न्यू ईयर के लिए? गाना तो ऑफ कोर्स बहुत सारे पब्स में बजने वाला है, लेकिन आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? वो नेहा मैम बताएंगी और प्रभात सर बताएंगे। हम लोग, हमने सोचा है कि गाना अगर बहुत हिट होगा तो हम बहुत अच्छी सक्सेस पार्टी रखेंगे। मीडिया के बिना कोई चीज हिट हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। अगर गाना हिट करना है, आपको हिट होना है, आपको मीडिया चाहिए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा कि थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे आए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना वी आर नथिंग। एक्टर्स कुछ भी नहीं बिना मीडिया के। राहुल, एज अ डायरेक्टर कितना इजी या चैलेंजिंग था? क्योंकि प्रभात जी इस सॉन्ग से डेब्यू कर रहे थे, नेहा ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस है, अगर थोड़ा सा बताएं दोनों के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस? काफी अच्छा, मतलब बहुत मजा आया शूट करने में। हम लोगों ने दुबई में शूट किया था, बट इतनी गर्मी थी, मतलब बता नहीं सकते, 40 प्लस डिग्री मतलब गर्मी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को। बट फिर भी नेहा मैम ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ऐसे आर्टिस्ट इंडस्ट्री में होने चाहिए, नहीं तो कोई आर्टिस्ट सपोर्ट नहीं करता इतना जितना इन्होंने सपोर्ट किया है। ये भी बहुत अच्छे थे इन्होंने भी। मैं कहती हूँ ना, कोई भी गाना, कोई भी शूट आप करते हो, जो डायरेक्टर होता है वो शिप का कैप्टन होता है। वो चाहे तो आप एक्टर की लाइफ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो जो दिखता है वो इनका होता है, इनका पूरा 100% इनका होता है, हमारे कुछ परसेंट होते हैं उसमें कि हमें ये करना है। तो थैंक्स टू यू फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू। सॉन्ग में एक लाइन है कि शनिवार को पार्टी नहीं, बाकी और दिन भी कर सकते हैं। तो ये लाइन किसने लिखी? मुंबई में रोज पार्टी होती है। हाँ, जिसने लाइन लिखी है उसके बारे में बताओ। ये बहुत कैच करी आपको, क्योंकि अपने भाई, अपने भाई है सिंगर, वो आ नहीं पाए आज। वो आज थोड़ा सा बिजी थे, आज फैमिली फंक्शन है तो इसलिए वो आज बिजी है, फैमिली फंक्शन में बिजी है वो, इस वजह से नहीं आ पाए हैं। काफी अच्छा उन्होंने गाना लिखा है और म्यूजिक भी उन्होंने किया है, सिंगिंग भी उन्होंने की है। कुंवर बाजी काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं और भी। ठीक है सुरेश जी, चलिए विश ऑल द बेस्ट सर। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? कुछ बोलना चाहेंगे बताइए सर। ऑडियंस से यही चाहेंगे कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारे सॉन्ग को प्रमोट करवाएं, आप लोगों के थ्रू जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अपने अपने पेजेस पे भी डालना है ना, सारे स्पॉटिंग में हमारे गाने हैशटैग कीजिए, टैग कीजिए नेहा मैम, सो दैट कि हमारा सॉन्ग एकदम ग्रास रूट लेवल तक जाए और हम इसको फिर न्यू ईयर की पार्टी साथ में होगी सबके। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस एंड मैरी क्रिसमस।